हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो हम हमारे इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बुक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 दैट इज द कॉलोनियल लीगेसी एंड चैप्टर नंबर 3 दैट इज द नेशनल मूवमेंट एंड इट्स लीगेसी, इन दोनों चैप्टर को हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम जीएस पेपर 1, और हमें इस बुक को कैसे अप्रोच करना है, मेरी अप्रोच क्या रहेगी। एंड वी वर डन विद द चैप्टर 1। ठीक है, हमने उस बुक का चैप्टर 1 देख लिया था। सो अब हम देखते हैं जो कि चैप्टर 2 है, कॉलोनियल लीगेसी। पहले हम कॉलोनियल लीगेसी को समझते हैं, देन वी विल मूव टू नेशनल मूवमेंट एंड इट्स लीगेसी। बेसिकली चैप्टर 2 में किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया है अपने यूज के लिए, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देयर वेयर 4 बेसिक फीचर ऑफ कॉलोनियल स्ट्रक्चर इन इंडिया। यहाँ पे बात की गई है कि 4 फीचर थे। ठीक है, 4 फीचर हमें देखने को मिले हैं जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर इन इंडिया था। ठीक है, कौन कौन से फीचर थे? फर्स्ट, द कॉलोनियलिज्म लीड टू कंप्लीट बट अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम इन एन सबसर्वियंट पोजिशन। Since the 1970s, India's economic interests were wholly subordinate to those of Britain. This is crucial aspect for integration with the world economy and was unavoidable, inevitable, and was a characteristics of also character was also a characteristics of an independent economy. Basically, फर्स्ट फीचर में यह कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हम अब तक क्या पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी मर्ज कब हुई, हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड के साथ में मर्ज हुई है ग्लोबलाइजेशन के बाद, 90s के दौरान। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस दौर में जो सारी चीज़ें हुई थी तब हमारी इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी का हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी अभी तक ये सुना होगा, लेकिन अगर हम ब्रिटिश इंडिया में देखें, उस टाइम पे देखें, तो हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड से मर्ज ही थी एक तरीके से। ठीक है, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, लेकिन उसमें हम एक नीचे वाली जो पोजीशन होती ना, सब सर्वियंट पोजीशन, उसमें हम नीचे वाली पोजीशन पे थे। नीचे वाली पोजीशन पे क्यों थे हम लोग? क्योंकि हमारी इकोनॉमी से किसको फायदा हो रहा था? हमारी इकोनॉमी से ब्रिटेन को फायदा हो रहा था। वो यहाँ पे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहा था, एंड अल्टीमेटली फायदा किसे हो रहा था? ब्रिटेन को हो रहा था। सो यहाँ पे कहा गया है कि हमारी इकोनॉमी एक कंप्लीट इंटीग्रेशन में तो थी, लेकिन वो इंटीग्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन से इंडिया का कोई फायदा नहीं हुआ है, इस इंटीग्रेशन से किसी का फायदा हुआ है तो वो ब्रिटेन का फायदा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, फिर इन 1970s इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर होली सबॉर्डिनेट टू दोज ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दैट इज ब्रिटेन की इकोनॉमिक इंटरेस्ट से सबॉर्डिनेट थे। आज हम देखते हैं इस, अब जो अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं, तो सभी कंट्री, जितनी भी कंट्रीज हैं, सब लोग कोशिश करती है कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट सुपीरियर रहे। वो कुछ कुछ अलग अलग फैक्टर्स और होते हैं जब हमें कॉम्प्रोमाइज करना होता है, दैट वी विल डील इन इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन अभी हर कंट्री चाहती कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट सुपीरियर रहे, लेकिन उस टाइम पे ये इंटीग्रेशन ऐसा था कि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबॉर्डिनेट पोजीशन पे था। तो हमारी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड तो थी, लेकिन उससे इंडिया को फायदा नहीं हो रहा था, हम एक सबॉर्डिनेट पोजीशन पे थे। इट वॉज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, इट वॉज द फर्स्ट कॉलोनियल स्ट्रक्चर। क्लियर है? हमें फर्स्ट कॉलोनियल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सेकेंड स्ट्रक्चर की इन्होंने क्या बात की है? सेकेंड स्ट्रक्चर की बात की है, सेकेंड, टू सूट द ब्रिटिश इंडस्ट्री अ पिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर वॉज फोर्स्ड अपॉन इंडिया। इट प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्टेड फूड स्टफ एंड रॉ मटेरियल्स, कॉटन, जूट्स, ऑयल सीड्स, मिनरल्स एंड इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री फ्रॉम बिस्किट, शूज टू मशीनरी, कार एंड रेलवे इंजिन। अब ये वाली चीज भी आपको पता है कि एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर था इंडिया और ब्रिटेन की इकोनॉमी में। कैसे था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन? हमारे यहाँ पहले तो बहुत अच्छा सब कुछ था, इंडिया आने से पहले तो सब बढ़िया इंडस्ट्री वगैरह, कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह सब ठीक चल रही थी, बढ़िया चल रहा था। बट इन्होंने क्या किया कि अब इंडिया से सारे रॉ मटेरियल्स कहाँ पे? ब्रिटेन भेजना शुरू किए, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था वो ब्रिटेन से यहाँ पे आता था। ठीक है, तो इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स में क्या करता था? हम यूजली एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो हम एक्सपोर्ट्स में क्या करते थे? इंडिया का एक्सपोर्ट्स था सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स, हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स करते थे।
ठीक है, और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने पे हम इंपोर्ट क्या करते थे, इंडिया बाहर से बुलाता क्या था, इंडिया बुलाता था फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और दैट टू हैवी इंडस्ट्रीज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो मशीनरी वगैरह हैं वो सारी चीजें, कार, रेलवे इंजन, ठीक है, दैट टू फिनिश प्रोडक्ट्स। तो इसमें लॉस में अल्टीमेटली इंडिया ही गया ना, क्योंकि हम एक्सपोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स कर रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। एक ये भी थ्योरी है, आपको पता होगा कि उस टाइम पे ब्रिटेन में चल रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, उस टाइम पे हमने यूरोप वगैरह में देखते हैं, तो जब ये हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन का एक पूरा दौर था, तो साथ साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी दौर था, ठीक है। एशिया और अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट में हम लोग देखते थे, तो यहाँ पे हम लोग देखते थे कि कॉलोनाइजेशन है, और वहां पे कॉलोनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों चीजें साथ साथ में चल रही थी, कॉलोनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इनकी कंट्री में इंडस्ट्रीज इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि तुमने ये जो दूसरी कंट्रीज थी इनको कॉलोनी बना के रखा, यहाँ से आपने अपना प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट किया, क्लियर है, इसलिए यहाँ पे फटाफट फटाफट इतनी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो गई, ठीक। सो ब्रिटेन का हमने देखा कि कैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर इंडिया पे कैसे फोर्स किया गया कि हमारे यहाँ से सारे रॉ मटेरियल्स ले गए और फिनिश प्रोडक्ट वहां से लेके ब्रिटेन से वहां पे इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिए, जो कि यहाँ पे कॉस्टली होते थे, क्लियर है। देन द थर्ड, अब हम थर्ड बात करते हैं कि थर्ड कॉलोनियल स्ट्रक्चर कौन सी बात की गई है। थर्ड, बेसिक टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द साइज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस और सेविंग जनरेटेड इन द इकोनॉमी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक। हम मान लो कुछ इकोनॉमी से प्रॉफिट वगैरह होता है, कोई भी कंट्री में अगर हम प्रॉफिट वगैरह होते हैं, हम हमारी इकोनॉमी में हमें जैसे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमें फ़ायदा हो रहा है, तो जो भी फ़ायदा होता है उसको गवर्नमेंट क्या करती है, उसी चीज़ को इन्वेस्ट किया जाता है, सो दैट हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, सो दैट आगे भी इकोनॉमी और बूस्ट करे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, यहाँ पे क्या होता था कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सरप्लस था, जो इकोनॉमिक सरप्लस वगैरह था या जो सेविंग्स वगैरह मिलती थी, उसको हमारी इकोनॉमी में तो इन्वेस्ट किया ही नहीं जाता था। कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता था, ब्रिटेन में इन्वेस्ट किया जाता था, मतलब फ़ायदा तुम कमाओ इंडिया से, और कहाँ पे फ़ायदा और फायदा मतलब प्रॉफिट कमाओ इंडिया से और फायदा पहुंचाओ ब्रिटेन को। सो ये वाला एक कॉन्सेप्ट भी हमें देखने को मिला था। नाउ द फोर्थ फीचर ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया वॉज द क्रूशियल रोल प्लेड बाय द स्टेट इन कंस्ट्रक्टिंग एंड डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग द अदर एस्पेक्ट ऑफ कॉलोनियल स्ट्रक्चर। इंडियाज पॉलिसीज वर डिटरमाइंड इन ब्रिटेन एंड इन इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी एंड ब्रिटिश कैपिटलिस्ट क्लास। ये हम सभी को पता है कि इंडिया की पॉलिसी ब्रिटेन डिटरमाइन करता था, एंड दैट टू ब्रिटेन की जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, वो कैपिटलिस्ट क्लास कौन सी होती है, जो ब्रिटेन की एलाइड क्लास, जो ब्रिटेन के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है। अब हर इंसान तो इंडिया से फायदा नहीं पहुंच पाएगा ना, मतलब डायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली तो उनको मिलता था, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जो था ना वो वहीं पे, हमारा जो प्रॉफिट था ना वो एक तरीके से देखो तो ब्रिटेन में उसने सबको हेल्प करी, बट डायरेक्टली सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा था, कैपिटलिस्ट क्लास को हो रहा था, अल्टीमेटली फायदा इन्हें मिल रहा था जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, क्लियर है, ठीक। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वॉज द डिनाइल ऑफ द स्टेट सपोर्ट टू द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ठीक। अब तुमने फायदा वगैरह कर लिया, लेकिन तुमने यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिया इंडिया के एग्रीकल्चर को, इंडिया की इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट नहीं मिला। दिस वॉज कॉन्ट्ररी टू वॉट हैपन इन नियरली ऑल कैपिटलिस्ट कंट्री इंक्लूडिंग ब्रिटेन विच इंजॉयड एक्टिव स्टेट सपोर्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन ये हर जगह हर कंट्री में हमने देखने को मिला कि जैसे हम लोग देखते हैं कि एकदम से इंडस्ट्रीज के टूवर्ड्स जाते हैं, कोई भी कंट्रीज एकदम से इंडस्ट्रीज के टूवर्ड्स आ रही थी, तो उस समय कुछ कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे थे बहुत ज़्यादा, कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज हो गई थी, ठीक है। अब जब एकदम कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज हो गई थी, तो फ्री वर्क, जो वर्किंग आवर्स थे या किसी को नौकरी की सिक्योरिटी नहीं होती थी, आज काम किया कल निकाल देंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन कंट्रीज ने सपोर्ट किया, जैसे ब्रिटेन है, यूएसए ने, उस टाइम पे इन्होंने हमारी कंट्री से जो भी इनको फ़ायदा वगैरह होता था, ये उनके वहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स चला देते थे, तो एक तरीके से इन्होंने अपनी कंट्री में अपनी जनता को सपोर्ट किया, अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया, जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसे दबाया और हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, क्लियर है।
वहाँ पे भी एकदम से अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जिस हिसाब से चल रहा था, तो एक बहुत सारी पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज होती है, ठीक है, तो उसमें से एक ये भी बताती है कि वहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो जाता है, क्योंकि एकदम कोर कैपिटलिज्म के टूवर्ड्स बढ़ते हैं, एकदम कोर कि कोई वेलफेयर नहीं करेंगे, कोई लोगों का भलाई नहीं करेंगे, सब कुछ फ्री मार्केट पे छोड़ देंगे। तो क्या होता है जब सब कुछ फ्री मार्केट पे छोड़ देते हैं, तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है इसका तो फायदा होता है ना, इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन जो छोटे मीडियम पे लोग रहते हैं, जो छोटे छोटे जिनके पास छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो डेली वेजेस पे उनको नौकरी से निकाल देते हैं, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, तो वो लोग प्रोटेस्ट करते थे। तो गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ का जो प्रॉफिट है ना, वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी एज अ वेलफेयर स्कीम्स, कुछ वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चला देती थी। तो वहाँ क्या जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हैं, जितना भी जो भी डेवलपमेंट वगैरह हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हाथ हमारा इंडिया का रहा है ब्रिटेन में उन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट को लेके। क्लियर है? देन द कॉलोनियल स्टेट इम्पोज फ्री ट्रेड इन इंडिया एंड रिफ्यूज टू गिव टैरिफ प्रोडक्शन टू द इंडियन इंडस्ट्री एज ब्रिटेन वेयर वेस्टर्न यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैज डन। अब देखो होता यह है कि ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया में तो फ्री ट्रेड इम्पोज कर दिया और हमारी इंडस्ट्रीज को कोई कुछ भी दिया नहीं बदले में, कुछ मुआवजा वगैरह। जैसे आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, FDI आएगी इंडिया में, कुछ होगा, तो हमारी सरकार क्या करती है, कोई भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है, उसे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी बचानी होती है। जैसे हम चाहते हैं कि FDI भी आए, ठीक, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो भी बचे, क्योंकि अल्टीमेटली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मेरे देश की, हमें इन्हें भी बचाना है, ठीक है, तो हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी बचाना है, तो हम कुछ टैरिफ वगैरह लगा देते हैं उनके गुड्स पे, कि उनके गुड्स थोड़े से ज़्यादा महंगे हो जाएं और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के गुड्स सस्ते हो जाए, तो ये लोग ज़्यादा खरीदें, तो लोग इनका ज़्यादा खरीदें, क्योंकि जब बड़ी बड़ी FDI आएंगी, उनकी इतनी बड़ी मशीनरी होती है, उनका इतना बड़ा फैक्ट्री वगैरह होता है, तो ऑब्वियसली वो गुड्स ज़्यादा सस्ते में देंगे कंपेरेबल टू जो लोग, जो कम लोग हैं जिनके पास इतनी मशीन नहीं है, जिनके पास इतनी सुविधा नहीं है, तो वो अपने पूरे चार्जेस लगाएंगे, उनका गुड्स ऑब्वियसली महंगा होगा, क्योंकि वो पूरा अपना चार्जेस देखेंगे ना कि मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ये होना चाहिए, और उन्हें ज़्यादा रुपये भी लगेंगे उस सारी चीज़ों में। तो यूजली गवर्नमेंट उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ लगाती है। तो तब ब्रिटेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया इंडिया के साथ, तब ब्रिटेन ने इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको बचाने के लिए कुछ ऐसे टैरिफ्स वगैरह नहीं लेके आई थी। क्लियर है? अब अपार्ट फ्रॉम, देखो इस बुक को पढ़ते पढ़ते आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे हमने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी डील करें, तो ऐसे बीच बीच में ना आपको चीज़ों को पकड़नी होगी। मैं कुछ भी आपको जैसे बोलूँगा, कुछ भी इन द सेंस कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड बोलूँगा, तो आपको उन चीज़ों को पकड़नी होगी। अगर आप सोचें कि एक पर्टिकुलर चीज़ें होंगी, कि कोई टैरिफ के बारे में बताया गया, कोई पर्टिकुलर चीज़ होगी, तो ऐसे में आप अपना सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप कहीं से भी पढ़ें, से आपको पढ़ना है, रीड इन बिटवीन द लाइंस। इस एग्जाम में हमको जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उनको ज्यादा देखना है अपार्ट फ्रॉम दिस बुक्स। क्लियर है? ठीक, सो इतना हमें समझ में आया। बिसाइड द इंडिया टैक्स स्ट्रक्चर वॉज हाईली अनइक्विटेबल व्हाइल द पीजेंट्स वर बर्डन विद द हैवी टैक्स लैंड रेवेन्यू फॉर मोस्ट ऑफ द कॉलोनियल पीरियड एंड द पुअर विद सॉल्ट टैक्स एक्सेट्रा। एक अनइक्विटेबल टैक्स सिस्टम था, है ना, मतलब अल्टीमेटली पुअर पे ही सबसे ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था, इसमें ये हो रहा था सॉल्ट टैक्स की वजह से, जो बेसिक नीड्स थी उस पे भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। ठीक, सो ये हमें समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। कॉलोनियलिज्म बिकेम अ फैक्टर्स ऑन इंडियाज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर स्टैगनेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इवन डिटोरिएटेड ओवर द ईयर, रिजल्ट इन एक्सट्रीमली लो यील्ड एज पर एकड़ एंड समटाइम्स इवन रीचिंग जीरो। ठीक है, जो पर एकड़ जो प्रोडक्शंस वगैरह होते थे वो समटाइम्स जीरो भी हुए हैं, और एग्रीकल्चर की हालत इतनी बुरी हो गई थी हमारे यहाँ। ठीक है, By 1940s, the landlords control over 70% of the land, and along with the money lenders and colonial state appropriate more than half of the total agriculture land production. ठीक है, अब landlords के पास में सबसे ज़्यादा land थी, बहुत ज़्यादा money lenders हमने ब्रिटिशर्स तो exploit कर ही रहे थे, एक ये वाला phenomena तो चल ही रहा था, आपने history में पढ़ा होगा, ब्रिटिशर्स तो exploit कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े landlords थे ना, इनका भी एक्सप्लॉयटेशन में बराबर हाथ है। ये जो मिडिल मैन थे ना,
इनका भी बराबर हाथ है, यहाँ पे पुअर या नॉर्मल जो सिटीजन्स थे, ठीक है, इन्होंने भी बहुत भरपूर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया है, क्लियर है, ठीक। सो ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई है। देन लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर ग्रू फ्रॉम 13% ऑफ द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन इन 1871 टू 28% इन 1951, ठीक है। हम लैंडलेस लेबरर, हम लोग देखते हैं ना जो डेली वेज वर्कर भी होते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी ऐसा नहीं है कि जो लेबर वगैरह उन सबके पास में लैंड है। अगर आप गांव में जाओगे, कभी किसी गांव में जाओगे, तो ध्यान से देखना कि या तो जब गांव जहां एंड होता है या गांव जहां शुरुआत होता है, तो बहुत सारी छोटी छोटी हट्स झोपड़ियां बनी होती है, ठीक है, वहां पे वो जो लोग रहते हैं ना उनके पास लैंड नहीं होती, वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े जो किसान होते हैं उनके यहां पे काम करते हैं। तो यहां पे वही बताया कि लैंडलेस लेबरर का ग्रोथ हुई है। लैंडलेस लेबर पहले कम थे, 18% थे, नाउ 13% थे, उसे 28% हो गए थे इतने कम पीरियड में, ठीक। सो ये बताता है कि हमारी इकोनॉमिक स्थिति किस हिसाब से थी। अब बेसिकली देखो, इस लेक्चर में हमारा एक चीज़ और काम की है, इस लेक्चर में आपको ये भी पता चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम GS पेपर 1 आपको ये पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। अब जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अभी इकोनॉमी ऐसी डेवलप क्यों हुई, ऐसे क्यों नहीं हुई। अब आपको एक ब्रॉडर आउटलुक लग रहा है ना कि उस समय पे इकोनॉमी कैसी थी और आज हम कहाँ पे पहुँचे हैं, उस समय ये फिगर्स थे, ये हालत थी, क्लियर है, ठीक। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अनदर सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वॉज द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब बेसिकली इसमें एग्रीकल्चर की पहले बात की गई थी कि एग्रीकल्चर कैसा है, इसमें भी एग्रीकल्चर की बात है कि एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी हुआ, लेकिन वो सब कुछ ब्रिटेन के फायदे के लिए हुआ, इंडिया के लिए कुछ भी नहीं हुआ था। अब हम आते हैं, हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली कि एग्रीकल्चर कैसा था, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज कि इंडिया में इंडस्ट्रीज का क्या रोल था। Another central aspect of India's economic backwardness was the state of its industries. During the 19th century, there was a quick collapse of Indian handicraft and artisanal industries largely because of the competition from cheaper imported manufacturing from Britain together with the policy of free trade imposed in India. ठीक है, इंडस्ट्री सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया था क्योंकि ब्रिटेन अपने एक्सपोर्ट्स करने लग गया था, ठीक है। ऐसा समझो कि ये इंडिया है, ये इंडिया है एंड ये ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन का हम सर्कल ही बना देते हैं अभी, ठीक है, ब्रिटेन है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह थी, इनका काम अच्छे से चल रहा था, ये लोगों को रोजगार भी दे रही थी। हमारे ये यहाँ पे बहुत सारे लोग इंडल्ज थे, मैन पावर इंडल्ज थी, सब लोग हाथ से काम कर रहे थे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा था इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की वजह से। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट को भी लिंक कर दें कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल भी अच्छा था, ठीक, लोग खुश थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ से जब रॉ मटेरियल्स गया कहाँ पे, ब्रिटेन में गया, यहाँ से जब रॉ मटेरियल्स गया ब्रिटेन में, जब यहाँ से ये रॉ मटेरियल्स जा रहा है ब्रिटेन में और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट, अब रॉ मटेरियल ब्रिटेन में गया तो यहाँ पे ये समझो कि हैवी इंडस्ट्रीज होंगी, है ना, हैवी इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज। अब हैवी इंडस्ट्रीज थी तो यहाँ पे मैन पावर कम लग रही थी, मशीन का रोल कम था, तो यहाँ पे क्या था, मैन पावर का रोल कम था, मशीन्स का रोल ज्यादा था, मशीन्स का रोल ज्यादा था। अब आप खुद सोचो, जब यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ पे गया तो एक इंसान कोई कपड़ा बनाएगा उसको कम, उसको ज़्यादा समय लगेगा ना कंपेरेबल टू मशीन। आज के टाइम में फटाफट कपड़े बना दिए, बेच दिए, और इनके प्रोडक्ट सस्ते भी होंगे क्योंकि अगर मैन पावर लगता तो एक एक इंसान को उसका काम का हमें रुपए देने पड़ते कि लो भैया एक दिन के तुम्हारे 200 रुपये तुम रखो। लेकिन मशीनरी एक तरीके से देखो तो इनका काम इन्होंने सस्ता कर दिया था। तो जब यहाँ पे एक बल्क में एक तो प्रोडक्शन होने लग गया, ऊपर से चीज़ें सस्ती, मतलब सस्ता प्रोडक्शन देने लग गए। अब इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी उनमें इंप्लॉयमेंट, वो यहाँ पे इनको रुपए ज्यादा लग रहे थे ना क्योंकि यहाँ पे लोग इन्वॉल्व थे। तो जब इन्होंने यहाँ से सारी चीजें वापस एक्सपोर्ट्स करना शुरू करी, मतलब जब ब्रिटेन ने सारी चीजें एक्सपोर्ट करी, वो इंडिया के लिए क्या हुआ, इंडिया के लिए इंपोर्ट हुआ, ठीक है। जब ब्रिटेन ने यहाँ पे सारी चीजें बेची जो कि इंडिया के लिए इंपोर्ट हुआ,
तो हमें ये लगा कि इनकी चीज़ें ज़्यादा सस्ती है। इनिशियली तो इनकी चीज़ें सस्ती भी थी, तब तक ये हैंडीक्राफ्ट एकदम कोलैप्स हो चुके थे क्योंकि अब इनसे कोई कुछ चीज़ें खरीद ही नहीं रहा था। अब जब चीज़ें इनसे खरीदी नहीं जा रही थी तो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया। एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया यहाँ पे, ठीक है, लोग बेरोजगार होने लग गए, इंडस्ट्रीज ठप पड़ गई, ठीक। फिर एक तरीके से इनकी मोनोपोली बन गई, और जब इनकी मोनोपोली बनी तब रेट बढ़ा दें। आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो आप पहले खुद देखो सारी चीज़ों को, अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखो आप, तो पहले हम लोग डेटा वगैरह का देखते थे, तो डेटा वगैरह में ये होता था कि कितने महंगे महंगे थे अगर आप लोगों को रिचार्ज करना है। लेकिन जैसे ही एक कंपनी ने सस्ते किए, सभी कंपनी ने सस्ते कर दिए क्योंकि कॉम्पिटिशन था। मान लो अब अगर सिर्फ एक ही कंपनी होती ऐसी, सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी होती, इतनी कंपनीज को मत देखो, तो इनिशियली तो वो कंपनी आपको डेटा सस्ते में देती, लेकिन बाद में मान लो अगर 2-3-4 महीने बाद वो डेटा के रेट बढ़ा देती तो आप लोग क्या करते? हमें अल्टीमेटली फिर लेना ही पड़ता ना उनसे। तो ये सारी सिचुएशन इंडिया में फेस करने लग गया, ये सारी सिचुएशन इंडिया को होने लग गई। क्लियर है? ठीक, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताया सो दैट किसी को कुछ नहीं भी पता, एकदम जिसने जीरो से स्टार्ट किया हो उसे समझ में आ जाए। मोस्ट ऑफ द यू को पता भी होगा और आधे लोगों को नहीं भी पता होगा। सो मुझे सबके बारे में सोचना है, सो इसलिए मैंने जीरो से पढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। द रुइन आर्टिशियन फेल टू फाइंड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, द ओनली चॉइस ओपन टू देम वॉज क्राउड इन टू द एग्रीकल्चर एज चीनेट्स शेयर कॉपर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। फिर अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, मजदूरी करना है, ठीक है, डेली वेजेस वर्कर बनना है, खेतों में जाना है, काम करना है, तो इस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज ठप हुई। मॉडर्न इंडस्ट्रीज डिड नॉट डेवलप इन इंडिया फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, बट बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज टर्न्ड एंड पार्टली कंपेयर्ड विद दैट डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक है। इट डज नॉट इवन कम्पनसेट फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इट डिस्प्लेस्ड। हमारे मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप होने का काम कुछ था ही नहीं क्योंकि सारी चीज़ें ब्रिटेन से आ ही जा रही थी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इन लोगों ने खत्म कर ही दिया था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज मेनली कन्फाइंड टू कॉटन, जूट, टी इन 19th सेंचुरी एंड टू शुगर एंड सीमेंट एंड पेपर इन 1930s, ठीक है। इनिशियली शुगर वगैरह से ही इससे था, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत बड़ा शुगर सीमेंट्स में आए हम लोग 1930s में, ठीक है। इंडिया ऑल्सो लैग्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सिमिलरली मॉडर्न बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वर ग्रॉसली अंडर डेवलपमेंट। बैंक वगैरह का तो हम सोच भी नहीं सकते, आप आज की इकोनॉमी को कंपेयर कीजिए उस टाइम पे, आज जो आप सारी चीज़ें दिख रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें उस समय कुछ नहीं थी, जस्ट इमेजिन करके देखो, ठीक है। अपने बार्टर सिस्टम वगैरह ये भी पढ़ा होगा ना इकोनॉमिक्स में, सो वैसी सिचुएशन थी, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन द मेट्रोपोलिस वाज द वर्चुअल एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीन इंडस्ट्रीज। इन 1950 इंडिया मेट अबाउट 90% ऑफ इट नीड्स ऑफ मशीन टूल थ्रू इट्स इम्पोर्ट। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमें 90% ऑफ द मशीन इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ठीक है, उन सबसे जो ये जितनी भी डिमांड थी वो हमें इंपोर्ट्स के थ्रू करनी पड़ रही थी जब देश को छोड़ के गए थे, तब इकोनॉमी को संभालना और रिवाइव करना और इतनी बड़ी कंट्री को अच्छे से सस्टेन करके रखना, ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था। क्लियर है? समझ में आ गया ये वाली चीज़ें भी आपको? देन अनदर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वॉज हाई रूरल अर्बन रेशियो ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। इन 1951 नियरली 82.3% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज रूरल, वाइल इन 1901 63.7% ऑफ इंडिया हैज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। बाय दिस फिगर इन 1941 दिस फिगर हैज गॉन अप टू 70। हम देख रहे थे कि कैसे एक पहले थोड़े से रूरल पॉपुलेशन में कम थे लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़े क्योंकि यहाँ पे शहरों पे ज़्यादा काम नहीं बचा था, सारी चीज़ें बंद हो गई थी। एंड दैट टू वी हैव सीन एन हाई रूरल अर्बन रेशियो, हमने हाई रूरल अर्बन रेशियो देखा था, ठीक है। जब भी कोई बहुत बड़ी आपदा आती है, जब भी जैसे शहरों में कुछ जॉब्स वगैरह नहीं रहती है, तो हम क्या देखते हैं, माइग्रेशन टूवर्ड्स रूरल विलेज, रूरल एरियाज, ठीक है। इवन इन द प्रेजेंट टाइम हम लोग ये देखते हैं, जैसे कोविड का क्राइसिस हुआ, तो कोविड क्राइसिस में हमने क्या देखा था कि जो माइग्रेशन जो हो रहा था
वो माइग्रेशन किस टूवर्ड्स हुआ, शहर से लोग गांव में आ रहे थे क्योंकि वहां पे उनका सारा काम बंद हो रहा था, ठीक है। वहां पे उनके जो भी फैक्ट्रीज वगैरह जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनको लगा कि शहर में एक तो खर्चा इतना ज्यादा है, हम कैसे सस्टेन करेंगे। तो जब शहरों में चीजें ठीक नहीं होती तो माइग्रेशन कहाँ पे होता है, रूरल बैकग्राउंड के टूवर्ड्स होता है, ठीक। एंड जब अगर हम देखें, जब मतलब चीज़ें नॉर्मल चलती है तो फिर लोग क्या मार, तब लोग सोचते हैं कि शहरों में जाएंगे तो काम मिलेगा क्योंकि गांव में खेतों में इतना काम नहीं रहा है, ठीक है। अब खेतों में काम क्यों नहीं रहा है, कैसे नहीं रहा है, वो हम उसमें पढ़ेंगे इकोनॉमी की क्लास में। आई होप इतना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। लूप साइडेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज येट अनादर स्ट्राइकिंग फीचर। इंडस्ट्रीज वेर ओनली कंसेंट्रेटेड इन फ्यू रीजन्स एंड सिटीज ऑफ द कंट्री। दिस नॉट ओनली लेड टू वाइड रीजनल डिस्पैरिटीज इन इनकम बट ऑल्सो अफेक्टेड द लेवल ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, ठीक है। लूप साइडेड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को हमें मिला था। अब इस चीज में आप एक चीज नोटिस कीजिए, यह आपका काम है, आपको रिसर्च करनी होगी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ फ्यू रीजन्स में डेवलप है या फिर कुछ सिटीज में डेवलप है। क्या आज का जो इंडिया है, क्या आज का जो प्रेजेंट इंडिया है उसमें हमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है या मिलती है? ये आप मेरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं और फेवर भी कर सकते हैं कि आज के टाइम में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, इसके बारे में आपको रिसर्च करना है। हो सकता है आज के टाइम में भी हमें ऐसा लगे कि कुछ स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो ये सिचुएशन हमें इवन आज भी देखने को मिलती है। Then, technical education was grossly inadequate. There were being only 7 engineering colleges with 2,217 students in 1939. अब ये देखो कि engineering colleges कितनी थी, मात्र 7 colleges थी उस समय पे। आज के time में engineering college और graduated students को देखो तो ये figure कुछ, ये एक कॉलेज में 2000 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक कॉलेज में 2000 से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। पहले सिर्फ मात्र 7 कॉलेज थी। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द मैनेजरियल एंड टेक्निकल पर्सनल इन इंडस्ट्रीज वेर नॉन इंडियन, क्योंकि अब इतने ज्यादा लोगों के पास में एजुकेशन नहीं थी तो जितनी भी मैनेजरियल और जो टेक्निकल पोजिशन थी वो नॉन इंडियंस के पास में थी, क्लियर। देन द एंड ऑफ द रिजल्ट, the end result of the colonial underdevelopment was the pauperization of the people, especially with the peasantry and the artisans. Extreme and visible poverty, disease and hunger, starvation with lots of ordinary people. This found culmination in series of famines which ravaged all over the parts of India in second half of 19th century. There were regular scarcities and minor famines in one or two throughout the British rules. Ab hame आपने पूरा एक सिनेरियो देख लिया, पूरा आपने सिनेरियो ऐसे देखा कि क्या सिचुएशन थी इंडिया में उस समय पे, फैमिन्स वगैरह आ रहे थे, हंगर इतनी थी, इतनी गरीबी थी। आपने एग्रीकल्चर को देख लिया, आपने इंडस्ट्रीज को देख लिया, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग एंड वो तो एकदम खत्म था, वो तो कुछ था ही नहीं। तो आपने ओवरऑल इकोनॉमी का देख लिया, लोग भूखमरी से, फैमिन से, इन सबसे मर रहे थे और लाखों में लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। सो ये था एक ब्रिटिश इंडिया की एक आपको पिक्चर थी, क्योंकि ऑल दो आप बोलेंगे कि सर ये बुक तो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर, लेकिन इनिशियल चैप्टर्स में ये एक हमें एक बैकग्राउंड बनाने में हेल्प करती है कि आगे किस हिसाब से चीज़ें डेवलप हुई हैं, ठीक है। सो इसमें ये बताया गया, इसमें इनिशियल जो चैप्टर्स हैं वो इसीलिए हैं, ठीक। इस चैप्टर में बेसिकली अगर कोई बुक से रीड करेगा अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स, तो बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं कि उस समय की जीडीपी ये थी, उस समय की जीएनपी ये थी, तो आप फिगर्स में मत जाइएगा। यहाँ पे भी कुछ फिगर्स है तो उसमें नहीं जाना है, आपको बस ये देखना है कि सिचुएशन कैसी थी, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा फिगर्स हैं इस चैप्टर्स में बुक में, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं कि उन फिगर्स में मत जाना, बस एक रीड, वो तो एक देखने के लिए कि अच्छा उस समय पे चीज़ें ऐसी थी आज ऐसी, एक कंपैरिजन के लिए लेना उसको। इसलिए मैंने भी कुछ कुछ फिगर यूज़ किए तो वो एक कंपैरिजन के लिए था, ठीक है। ये हमसे कोई भी फिगर्स नहीं पूछने वाला। आई होप आपको ये वाला कॉलोनियल लीगेसी समझ में आया होगा। ऑल्दो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि हम एक और चैप्टर, दैट इज द नेशनल मूवमेंट एंड इट्स लीगेसी भी करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन मुझे लगता है कि
ये लेक्चर बड़ा हो गया है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, तो एक सेपरेट वीडियो में हम नेशनल मूवमेंट एंड इट्स लेगेसी, दैट इज थर्ड चैप्टर है, हम उसको डील करेंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर को डील करेंगे। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट एंड इट्स लेगेसी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद।